दिल्ली के चारों तरफ किसानों का हुजूम उमड़ा हुआ है। ऐसे में किसानों पर सियासत भी अब अपने चरम पर पहुंच गई है। दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के मुद्दे पर आज यानी मंगलवार को अंबाला पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने आज कांग्रेस पर इस आंदोलन का ठीकरा फोड़ डाला। कटारिया ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी किसानों को बलि का बकरा बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। कटारिया की माने तो इन कृषि कानूनों को ठंडे दिमाग से समझने की जरूरत है। कटारिया ने आज किसानों से भी अपील की कि किसान बातचीत का रास्ता अपनाएं, क्योंकि ये बिल किसानों के लिए फायदेमंद है। कटारिया आज अंबाला में एक व्यायाम शाला का उद्घाटन करने पहुंचे थे और इस मौके पर अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी उनके साथ मौजूद रहे। जो तीनों बिल आए हैं, अगर ठंडे दिमाग से बैठकर सोचा जाए तो तीनों बिल किसानों के हित में है। ये जो रोड़ा रब्दा हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी गुलाम नबी आजाद ने और कपिल सिब्बल ने, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विधानसभा के इन चुनावों में हार के बाद ये कहा है कि क्या चुनाव हारना कांग्रेस की नीति बन गई है। कांग्रेस की दुकान बंद हो चुकी है, धीरे धीरे उसका वजूद देश में खत्म हो रहा है, इसलिए किसानों को बलि का बकरा बनाकर सोनिया गांधी और राहुल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं, देश उनको इस बात की। वहीं किसान आंदोलन का हरियाणा सरकार को विलन बता रहे दीपेंद्र हुड्डा पर भी कटारिया ने अपने अंदाज में तंज कसा। कटारिया ने एक कहावत के जरिए कहा कि अब हुड्डा की मलाई बंद हो गई है, ऐसे में अब इन्हें इधर उधर की बातों के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। कटारिया ने कहा कि बीजेपी अब अपने पैर जमा चुकी है। देखिए ऐसा है, रास्ता बोली डूमनी गावा उत पताड़, हुड्डा की मलाई बंद होगी। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो फिर अनगढ़ आरोप, इधर उधर की बातें, ये सूझती हैं। हुड्डार का सुपड़ा साफ हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमा चुकी है। गौरतलब है कि कृषि बिल को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि किसानों की मांगों को सरकार मानती है या फिर बिल को वापस नहीं लिया जाता है। पंजाब के सी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।